जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम था 8 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए करीब करीब 19 से 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे 100% रियल क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 200 रुपए के नोट का कलर स्ट्रॉन्ग ग्रे होता है, ट्रू या फॉल्स, गलत है या सही है? गलत है। स्वच्छ भारत मिशन किस निगम से संबंधित है? म्यूनिसिपल। इसके बारे में जान लेते हैं। इस मिशन के तहत भारत में सभी गांव, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती तक स्वयं को खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ घोषित किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विंडोज 10 से 64 बिट कंप्यूटर के लिए अधिकतम रैम का आकार कितना होता है? 128 GB। ये आपको ध्यान रखना है। विंडोज 10 अपग्रेड करने से पहले अपने सिस्टम में यह चेक करें कि उसका प्रोसेसर 1 GHz या उसके अधिक गति का है या नहीं। रैम 32 बिट वाले सिस्टम के लिए 1 GB और 64 बिट वाले के लिए 2 GB रैम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ मेनू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाएगा? तो प्रारंभ मेनू खोलने के लिए स्टार्ट कुंजी का उपयोग किया जाएगा। विंडोज सिस्टम का मुख्य मेनू जिसे कहा जाता है प्रारंभ करें, यह प्रोग्राम फोल्डर और कंप्यूटर सेटिंग्स के साथ मुख्य लिंक है जो एक बटन दबाकर लॉन्च किया गया है। प्रारंभ या अपने कीबोर्ड पर विंडोज लोगो कुंजी का उपयोग करें। डिफॉल्ट रूप से टास्क बार पर यह बटन बाएं कोने में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्पेस मेल बॉक्स में संग्रहित होती है, गलत है या फिर सही है, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, इंटरनेट से जुड़े अन्य कंप्यूटर से एक फाइल तक पहुंचने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? तो इंटरनेट से जुड़े अन्य कंप्यूटर से एक फाइल तक पहुंचने के लिए FTP का प्रयोग किया जाएगा। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाला एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग इंटरनेट से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था, कौन सा OS GUI का उपयोग करता है? पहला हो जाएगा आपका लिनक्स, दूसरा हो जाएगा यूनिक्स। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिए, JPEG और GIF की तुलना में अधिक संकुचित और उच्च गुणवत्ता वाला है, ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये ट्रू होगा। ओके, नवा क्वेश्चन देखिए, कंपनी में कर्मचारी काम करने के बाद अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, इससे क्या सुधार होगा? कंपनी अपने कर्मचारी काम करने के बाद अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, इससे सुधार होगा, सुरक्षा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में सॉन्ग चलना क्या है? तो कंप्यूटर में सॉन्ग चलना ये एक आउटपुट है। ग्यारहवा क्वेश्चन देखिए, अर्थपूर्ण डाटा का संग्रह कहाँ जाता है? तो अर्थपूर्ण डाटा का संग्रह इंफॉर्मेशन में जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम जूम कितने प्रतिशत ऑफ CALC 20 शिफ्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ऑप्शन में आपके ये था पहला, ये दूसरा था आपका तीसरा। ऑल द एबव स्टार्टेड फंक्शन फ्रॉम 1970 इज ए नॉन प्रोटेबल यूनिट। विंडोज 10 में सर्च ऑप्शन कहाँ होता है? तो विंडोज 10 में सर्च ऑप्शन लेफ्ट में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 80 पोर्ट पर संचालित होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? 80 पोर्ट पर संचालित होने वाला प्रोटोकॉल है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, UPI जिसका प्रयोग रुपए को भेजने के लिए किया जाता है वह किससे संबंधित है? UPI जिसका प्रयोग रुपए भेजने के लिए किया जाता है ये संबंधित है NPCI से। NPCI का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? तो मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को इंडेंटेशन कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए MICR प्रयुक्त होता है। इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंस्टाग्राम के फाउंडर है केविन सिट्रोन।